दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा प्लान होने वाला है जिसमें आपको वेंटिलेशन बहुत ही प्रॉपर मिलता है, क्योंकि चारों तरफ इसकी जगह ओपन जगह पड़ी हुई है। आप या तो 2 फीट छोड़ सकते हैं, 3 फीट, या पूरा आपका खेत में एक मकान बनवाते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने दिया है। तो इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे। बनेश वुडोम लगातार, मैं हूं पंजागर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सके। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए वीडियोज़ मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और ये जो आज का मॉडल होने वाला है, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है। तो इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं और टॉप व्यू है, आप देख सकते हैं इसका टॉप से आपको ऐसा दिखेगा और फ्रंट सामने से आपको ऐसा दिखने वाला है, साइड से आपको ऐसा दिखने वाला है। तो एक बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है आज का, जो मैं डिस्कस करूँगा। तो चलो सबसे पहले इसका हम ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करते हैं, या मैं इसे पहले जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू और समझ में आ जाए। जैसे मैं जूम करता हूँ तो आपको ग्रिल समझ में आ रही होगी, इसकी रेलिंग जो बनी हुई है वो समझ में आ रही होगी। प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग दी है, पेंट कलर वगैरह ब्लैक और ब्लू और रेड ईंटों का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों उसका ग्राउंड फ्लोर है। सबसे पहले आपको एक पोर्च मिलता है, ये देखिएगा, 4 पिलर के साथ पोर्च मिलता है, या उसी की छत आपको दिख रही है आगे। और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से ब्लू कलर यूज किया है और ब्लैक वाइट जो पट्टियां टाइप की देख रही है, ये भी डिजाइनिंग के पर्पज़ से। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ विंडो है, क्योंकि दोनों तरफ बेडरूम है। और इसके बाद आप जैसे जाते हैं, पोर्च के अलावा भी एक बारंदा टाइप को आपको मिलता है। इसी बारंदे से लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ एंट्री है, दोनों बेडरूम में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ एंट्री है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका मेन डोर ये है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आप पहुँच जाते हैं आंगन में। आंगन में आप जैसे पहुंचते हैं तो आपका ये देखिएगा बड़ा सा ये किचन यहाँ पर मिलता है, ये एक लेटेंट बाथ मिलता है, और ये आपको और एक स्टडी रूम मिलता है, चिल्ड्रन रूम बोल सकते हैं बेहतरीन सा। इधर आपकी स्टेयर्स मिलती हैं जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे। तो 3 बेडरूम, किचन और लेटेंट बाथ, साथ साथ बड़ा सा आंगन, एक पोर्च और आपको बारंदे के साथ बेहतरीन सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इसी मॉडल को आज हम पूरा देखिए एलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप जूम करके इसको देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तरीके से, ये देखिएगा आपका पूरा बेहतरीन सा मॉडल आपका होने वाला है। और ये पूरा आप देख लीजिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, साइड से भी दिखा देता हूँ। साइड से भी जहाँ जहाँ विंडो लग सकता है वहाँ मैंने विंडो लगा दिया है, जहाँ जहाँ वेंटिलेशन हो सकता है वहाँ वेंटिलेशन दिया है। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आपका मॉडल। यही लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर वही चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और स्टेयर्स को ढकने के लिए या मैंने गुमटी बना रखी, और 4 बेहतरीन सा रेलिंग डिजाइन। और फ्रंट में ये देखिए मैंने कुछ ये रेड कलर यूज़ किया है डिजाइनिंग के पर्पज़ से, जिससे आपके घर और एक बेहतरीन सा लगने लगे। तो बेहतरीन सा मॉडल ये 30x35 फीट में ओवरऑल बना हुआ है, जिसमें दोस्तों लगभग आपका 10x12 फीट का तो पोर्च ही निकल जाता है। तो अगर इस मॉडल की हम बात करें तो लगभग ये 22x35 फीट में बना हुआ है, पोर्च को अगर हटा दें तो, अन्यथा क्योंकि पोर्च ही आपका आगे बना हुआ है और साइड में जगह आपकी वेस्टेज जा रही है। लेकिन मॉडल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।